सुनील जाखड़ जी का जाना वो हर कांग्रेस लिए दुखदाई है। हर कांग्रसी नहीं चाहेगा कि यह जहाँ कोई अच्छा लीडर साड़ी पार्टी जो छड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाए, पर बीजेपी दे ज्वाइन करना जाके कितना कितने मैं लग्या कि शायद वह भी ना कि सत्ता के पिछे तो नहीं दौड़ रहे भी मैं सत्ता चाहिए है। पार्टी के अंदर कोई किसी की हार की जिम्मेवारी किसी एक बंदे नहीं पानी चाहिए। कलैक्टिव लीडरशिप तो कलैक्टिव शेयरनैस सारा कुछ होना चाहिए भी जी जितते हैं तो सारे शेयर कर, हारे तो सारा उस गल अपनी जिम्मेवारी लैन। पर जिते तक नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है, जे मैं उन्होंने काम करने के तरीके देखा शायद हाले उन्होंने प्रधान नहीं बनाना चाहिए सी। साड़ी पार्टी जी रिवाज ही नहीं सीगा कि पार्टी प्रधान जाके स्टेजों पर जाके टिकट अनाउंस करे। साडे पार्टी जी कभी रिवाज ही नहीं कि पार्टी प्रधान स्टेजों के उत्ते अपने ही मुख्यमंत्री की आलोचना करे। सर किस तरह देखते हो तुसी कल कांग्रेस सरकार को दो झटके लगे ने नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ की काम चाहिए? कई बार की होंगे कि जो कोई दिन ठीक ना चल रहे हो तो यह जी घटनावां घटदियां रहिंदियां है जी। यही कुछ कांग्रेस पार्टी नाल अज हो रहा है। बलराम जाखड़ जी सॉरी सुनील जाखड़ जी का जाना वो हर कांग्रेस लिए दुखदाई है। हर कांग्रसी नहीं चाहेगा कि यह जहाँ कोई अच्छा लीडर साड़ी पार्टी जो छड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाए। कारण कुछ भी होण उन्हां दा जाना मैं खुद अपने आप को समझदा कि पार्टी का नुकसान होया है। पर जिथे तक उन्हां दा बीजेपी ज्वाइन करना है ये मैनू नहीं हजम हो रहा। उन्हां दे वो खुद उन्हां दा परिवार मैं उन्हां दे पिता जी नूं भी बहुत नेड़ों देखिया। एक एजिटेशन च असीं इकट्ठे सीगे, मैं बहुत छोटा सी उदों, असीं बड़ैल जेल दे विच कई दिन इकट्ठे रहे। जो उन्हां दी सोच सी उही जाखड़ साहब की सोच भी सुनील जी की अगे देखता रहा कि वो बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोलते रहे। पर बीजेपी दे ज्वाइन करना जाके कितना कितने मैं लग्या कि शायद वो भी ना कि सत्ता के पिछे तो नहीं दौड़ रहे भी मैं सत्ता चाहिए है। मुद्दों पर गए है वो नाल मैं समझदा उन्होंने नहीं जाना चाहिए, पार्टी को मना लेना चाहिए सी। उन्होंने की कारण है, बहुत बड़े लीडर है, इन्नी जानकारी मैनू भी नहीं होंगी कि उत्थे आपस में इन दूरियां क्यों बनिया। पर जाना दुखदाई है। जिथे तक नवजोत सिंह सिद्धू का वो कोई पोलिटिकल मामला नहीं है, कोई करप्शन का मामला नहीं है। वो तो एक क्रिकेटर के नाते 1988 के पटियाले किसी एक बुजुर्ग के मुक्का मारता कि उन्होंने तो वो उन्होंने डैथ हो गई। रोड रेस का मामला उन्होंने है, पर क्योंकि जो दिल दिन ना ठीक होंगे हूँ तो यह भी बदकिस्मत वाली गल है कि उन्होंने हूँ जेल जाना पड़ेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट का है, पहला बेचारे प्रधानगी तो हट गए, इलैक्शन हार गए, हूँ यह जहाँ काम होना ये तो यही कह सकते हैं कि दिनों का ही फेर है। फिर सर किस तरह देख रहे हो कि जिदा जिस टाइम नवजोत सिंह सिद्धू जी आए थे पंजाब से, उस समय तो बाद पार्टियां दा आपस दे विच ही कुछ बनता नहीं सी, बट फिर पार्टी बिखरती चली गई, यानी लड़ाई झगड़े होंदे चले गए। कि इस पार्टी नूं किस तरह देख रहे हो, किन जिम्मेदार मानते हो, किस तरह मतलब होगा? देखो जिम्मेवारी तो सब की सांझी होंदी है। पार्टी के अंदर कोई किसी की हार की जिम्मेवारी किसी एक बंदे ते नहीं पानी चाहिए। कलैक्टिव लीडरशिप तो कलैक्टिव शेयरनैस सारा कुछ होना चाहिए भी जी जितते हैं तो सारे शेयर कर, हारे तो सारा उस गल अपनी जिम्मेवारी लैन। पर जिते तक नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है, जे मैं उन्होंने काम करने के तरीके देखा शायद हाले उन्होंने प्रधान नहीं बनाना चाहिए सी। मंत्री बना देंगे, सरकार दे विच मंत्री बनना एक जिम्मेवारी हो जाती है, संविधानिक पद होता है। पार्टी के अंदर जिहड़ा बंदा पार्टी तो बाहर आया होगा शायद वो कांग्रेस पार्टी की नबज़ को नहीं पछाण पाता ज इन्नी जल्दी। कांग्रेस का काम करने का तरीका होर है, सिद्धू साहब के काम करने का तरीका होर सी। साड़ी पार्टी च रिवाज ही नहीं सीगा कि पार्टी प्रधान जाके स्टेजों पर जाके टिकट अनाउंस करे। साडे पार्टी जी कभी रिवाज ही नहीं कि पार्टी प्रधान स्टेजों के उत्ते अपने ही मुख्यमंत्री की आलोचना करे। ये दूजिया पार्टियां हो सकता, साड़ी पार्टी नहीं सीगा। इस करके मैं यही कह सकता कि वो शायद उन्होंने प्रधान बनाने भी जल्दबाजी की गई, थोड़ी देर बाद उन्होंने बना लेंगे तो कोई बाद पता लग जाता, कुछ साल वो कांग्रेस रह लेंगे, तो इसी करके शायद वो एडजस्ट नहीं कर पाए अपने आप। सुनील जाखड़ जी जिहड़े दूजी पार्टी जी हैं, किन्ना कु घाटा मानते हो कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस चो कोई भी एक बंदा भी जाए, वड्डा या छोटा कोई भी जाए, पार्टी को नुकसान होंदा है। पार्टी के एसेट होंदे है, पार्टी इन्हां दे बड़ी मेहनत करती है किसी लीडर बनाने, उहदी अपनी भी मेहनत होंदी है जिहड़ा बंदा वड्डा बनता है, पर पार्टी भी मेहनत करती है तो किसी एक बंदे की कॉस्ट ते ही वड्डा होंदा हो। ये मन के चलो कि किसी एक की जगह तो लई होएगी सुनील जाखड़ जी ने, इस करके किसी नुकसान करके ही पार्टी वड्डा बनती है। पर जो कुछ उन्होंने ख्याल है मैं समझदा इस गल छड़ के बस मैं उन्होंने सहमत नहीं कि वह बीजेपी ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। बाकी मैं सारे गलों से मैं समझदा कि उन्होंने गल्लां चंगी सी, उन्होंने वधिया कीतियां, पर पार्टी के अंदर करते तो ज़्यादा बेहतर सी। इदा
शायद हाई कमांड ने भी इस गल नूं पसंद नहीं किया होना कि जिवें उन्हां ने फेसबुक ते आके पार्टी छड्डन लग्गियां जो गल्लां कहियां। पार्टी साडी कदे रोकदी नहीं इहियां गल्लां नूं पार्टी दे अंदर कहण तों, पर हो सकदा है ज़्यादा दूरियां वध गईयां हुण हाई कमांड च, हो सकदा उन्हां ने देखिया मेरे वास्ते हुण वापसी दा रस्ता ही नहीं है कोई, तो उन्हां ने इहो जिहा कदम चुक लिया। Please subscribe Pravasi TV and press the bell icon.